बसमिलहिम नहमदन सल्लिया रसूलहल करीम अम्माबाद जुमे के दिन ग़सल और खुशबू लगाना जुमे के दिन गसल करने की भी हदीफ़ में बड़ी फजीलत आई है गसल करते वक्त यह नीयत रखनी चाहिए कि यह गसल जुमे की वजह से किया जा रहा है नीज़ गसल के बाद खुशबू लगाना भी सुन्नत है और इतबा सुनत की नीयत से इस पर भी षवाब मिलता है हज़रत अबू ऐब अंसारी रज़ी अल्लावायत करते हैं कि आ हज़र सल्लास ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमे के दिन गसल करे और अगर उसके पास खुशबू हो तो खुशबू लगाए और अच्छे कपड़े पहने फिर घर से निकल कर मस्जिद में आए वहाँ जितनी चाहे रकतें पढ़े और किसी को तकलीफ़ न पहुंचाए फिर खामोश रहे जहां तक कि नमाज पूरी हो जाए तो उसका ये अमल इस जुमे से अगले जुमे तक सगीरा गुनाहों का कफारा हो जाता है और हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह रिवायत करते हैं कि हजरत ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन गसल बालों की जड़ों तक से सगीरा गुनाहों को खींच निकालता है नीज जुमे के दिन गसल करने और खुशबू लगाने के बाद जिस क़दर जल्द मुमकिन हो मस्जिद की तरफ जाना चाहिए एक हदीस में है कि जुमे के दिन फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं और पहले आने वालों के नाम लिखते रहते हैं जब लोग सब जो लोग सबसे पहले मस्जिद आ जाए उनको उतना सवाब मिलता है जितना एक ऊंट की कुर्बानी का फिर जो लोग दूसरे नंबर पर हों उनको गाय की कुर्बानी का फिर जो तीसरे नंबर पर हों, उनको मिंडी की कुर्बानी का फिर जो चौथे नंबर पर आए उनको मुर्गी के बराबर सदके का और जो आखिर में आए उनको अंडे के सदके का लेकिन जब इमाम खुतबे के लिए निकल आए तो फरिश्ते अपने सहीफे लपेट लेते हैं अगली आसान नेकियों में है तलावत क़ुर करीम क़ुर करीम पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है इसका असल हक तो ये है कि इस पर समझ कर अमल किया जाए लेकिन अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी रहमत से नवाजने का एक ज़रिया कुरान करीम के अलफा की तिलावत को भी करार दिया है यानी क़ुर करीम के अलफा की तलावत भी बेानतहाजर ववाब की हामिल है बाज लोग नादानी से यह समझते हैं कि कुरान करीम को समझे बगैर पढ़ने से क्या हासिल है वो अल्लाह ताला की किताबों को इंसानों की किताबों पर के्यास करते हैं जिनको बेसमझे पढ़ना एक फजूल काम समझा जाता है हालांकि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है इसकी तालीमात तो दुनिया और आखरत की फलाह की जामिन है ही लेकिन इसके एक एक लफ्ज़ में नूर है और इसकी महज तिलावत भी सवाब और बासी खैर बरकत है हजरत अब्दुल्ल इबिन मसूद रजी अल्लाह तहु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की किताब का एक हरफ़ पढ़े उसको एक निकी मिलेगी और ये एक निकी दस निकियों के बराबर है मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ़ है बल्कि अल्फ़ एक हरफ़ लाम एक हरफ़ और मीम एक हरफ़ है इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स सिर्फ़ मीम तिलावत करे तो सिर्फ़ इतनी तिलावत से भी उसके नामाय आमाल में तीस नेकियों का इजाफा हो जाता है और इसी हदीस से यह भी मालूम हुआ कि ये सवाब बेसमझे पढ़ने पर भी मिलता है क्योंकि अलिफ ला मीम एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माना कोई नहीं जानता न इसका सही मफहम समझने का कोई इम्कान है क्योंकि ये हरूफ मुकदात में से है जो मुताबहत में दाखिल हैं और इनके माना कोई नहीं जानता वसल्लम ने इन इनूफ की मिसाल देकर यह भी वाज फरमा दिया कि तिलावत कुरान का ये माना समझने पर मौकूफ नहीं है बल्कि बेसमझे तिलावत पर भी यह सवाब मिलता है गर्ज जब सिर्फ अलिफ ला मीम पढ़ने में तीस नेकियां हासिल हुई तो कुरान करीम का एक रुकू या एक सूरत पढ़ने से कितना अजर सवाब हासिल होगा इसीलिए हर मुसलमान को चाहिए कि हर रोज़ सुबह को दूसरे कामों में मशगूल होने से पहले क़ुरान करीम की कुछ न कुछ तिलावत का मामूल बनाए अगर ज़्यादा न पढ़ सकें तो पाओ पारा और अगर इतना भी मुमकिन न हो तो कम अज़ कम एक रुकू ही पढ़ लिया करें तो हर रोज़ उसके नाम आमाल में सेंकड़ों निकियों का इजाफा होता रहेगा इसी तरह हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान करीम की कुछ सूरतें ज़ुबानी याद कर ले ताकि जब मौका मिले कुरान करीम खोले बगैर भी वो ज़ुबानी तिलावत कर सके और इस तरह चलते फिरते भी अपने आमाल में निकियों का इजाफा कर सके। हज़रत इबन अब्बास रजी अल्ला तुम रिवायत करते हैं कि आज़रत सल्ला वसम ने इशाद फरमाया कि जिस शख्स के जोफ में यानी जिस शख्स के हाफज़े में क़रआन का कुछ हिस्सा न हो वो एक वीरान घर की तरह है अगली आसान नेकियों में से है सुर फातहा और सुर अखलास कुरान करीम की तलावत जिस हिस्से से भी हो सवाब ही सवाब है लेकिन बाद सूरतों के ख़ास ख़ास फ़जाइल आदरत ने बयान फरमाए हैं मुख्तर सूरतों में सबसे ज़्यादा फ़जाइल सूर फ़ातहा और सूर अखलास के बयान किए गए हैं और बहुत सी हदीसों में आदरत ने फजीलत में सर अखलास को एक तिहाई कुरान के बराबर करार दिया है ुर रजील् तै फरमाते हैं कि एक मरतबा ने नेहब क़िराम रजी ताला तुम से इर्शाद फरमाया कि जमा हो जाओ मैं तुम्हारे सामने एक तिहाई कुरान की तिलावत करूँगा कुछ हजरातर कुछ हजरात साहब क़िराम रजी ताला तुम जमा हो गए तो आप सल्ह वस घर से बाहर तशरीफ़ लाए और कुल्लद पढ़कर अंदर तशरीफ ले गए फिर थोड़ी देर बाद बाहर तशरीफ लाके फरमाया मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे सामने एक तिहाई कुरान पढूंगा। याद रखो यह सूरत यानी सूर इखलास एक तिहाई कुरान के बराबर है और हज़रत दरदार रजी अल्लाह तन से रिवायत है कि एक मरतबा आजरत सल्ला वसम ने कम रजी अल्लाह तालम से ख़िताब करते हुए फरमाया क्या तुम में से कोई एक रात में एक तिहाई कुरान की तिलावत नहीं कर सकता सहाबा रजी अल्लाह तहम ने अर्ज़ किया कि एक शख्स एक रात में तिहाई कुरान की तिलावत कैसे करेगा आप सल्ला वसम ने फरमाया कुल अहद एक तिहाई कुरान के बराबर है इसीलिए बुज़ुर्गों का मामूल है कि मुर्दों को ईसाले सवाब के लिए तीन मरतबा सूरे इखलास पढ़ते हैं और उसका सवाब मुर्दे को पहुँचा देते हैं